दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। जिस मीडिया ने मोदी जी की चरण वंदना में नित नए रिकॉर्ड बना दिए, जिस मीडिया ने लाज शर्म त्याग कर पूरी तल्लीनता से मोदी जी की गोदीगिरी में पत्रकारिता का खुशी खुशी जनाजा निकाल दिया, जिन एंकरों और संपादकों ने मोदी जी की गोदीगिरी में पत्रकारिता को खुशी खुशी पाताल तक पहुंचा दिया, आज मोदी जी को सुनकर कह रहे होंगे, हे भगवान, ये धरती फट क्यों नहीं गई और मैं इसमें समा क्यों नहीं गया, या फिर गई। साथियों, भाजपा ये वो पार्टी नहीं है जो अखबारों से टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई हो। अब जरा मुझे ये बताइए, चैनल्स ने मोदी जी की भक्ति में कहां कोई कसर छोड़ी? क्या कमी रह गई मीडिया की चापलूसी में कि आज मोदी जी ने अपनी पार्टी के यहां तक पहुंचने के लिए अखबारों और टीवी स्क्रीन का योगदान शून्य कर दिया? ये भाजपा ट्विटर हैंडलों और यूट्यूब के चैनलों से पैदा नहीं हुई है। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई है। ये जो मोदी जी बात बात पर बीजेपी के यहाँ तक पहुँचने की बात में मीडिया के योगदान को जीरो कर देते हैं, ये कोई अच्छी बात है? क्या नहीं किया इस देश के अखबारों और चैनल्स ने? देश के विपक्ष की मीडिया स्पेस खत्म कर दी और उसे राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया। देश के हर समस्या को लेकर, देश के हर सवाल को लेकर जवाब किससे लिया? विपक्ष से। इस्तीफा किससे मांगा? विपक्ष से। सवाल पूछती हर आवाज को एंटी नेशनल बता दिया। दिल्ली में बीजेपी हारी तो दिल्ली के लोगों को अनपढ़ और मुफ्तखोर बता दिया। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराने को बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बता दिया। देश तो छोड़िए, विदेश में तक जाकर मोदी चालीसा पढ़ डाली। टीवी छोड़िए, अपने सोशल मीडिया तक में मोदी जी की भक्ति में डेडिकेटेड कार्यकर्ता के माफिक अनगिनत ट्वीट्स कर डाले इन 8 सालों में। और आज मोदी जी उन लोगों को कह रहे हैं कि ये जो भाजपा बनी है, ये ट्वीट ट्वीट करके नहीं बनी। बताइए, जिन एंकरों ने, जिन संपादकों ने अपने डिबेटों में बीजेपी प्रवक्ताओं को कॉम्प्लेक्स में डाल दिया, दिन रात सुबह शाम मोदी भक्ति में सराबोर इन चैनलों ने न महंगाई पर, न बेरोजगारी पर, यहाँ तक कि अडानी जैसे बड़े मुद्दे पर मोदी जी के आगे चू तक नहीं की, बड़ी हिम्मत हुई तो यही तो पूछा ना, सर आप थकते क्यों नहीं है, कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं, या फिर कोई फकीरी तो है आप में। मैं तो कहती हूँ मोदी जी की इस बात पर ना मीडिया वालों को आंदोलन कर देना चाहिए, सारे फिल्म सिटी वालों को आंदोलन कर देना चाहिए कि इतना करने के बाद भी मोदी जी आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या कमी रह गई हमारी इस डेडिकेशन में। लेकिन ऐसा होगा नहीं, जानते हैं क्यों? क्योंकि इसे तो कहते हैं असली भक्ति। मोदी जी चाहे अखबारों और टीवी वालों को कितना ही गरिया दें, लेकिन इनकी भक्ति में ना इतू सा भी फर्क नहीं आएगा। दोस्तों, मोदी जी का ये कहना कि भाजपा अखबारों और टीवी चैनल की स्क्रीन से चमक कर नहीं बनी है, इसे सुनकर आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है, लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। चैनल को ज्वाइन भी कीजिए और सब्सक्राइब भी।